नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वे चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए जो परिवार के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। दीपावली के दिन का इंतजार हम सभी करते हैं। धनतेरस के दिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के पर्व पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ों का खरीदना अशुभ भी माना जाता है जिसकी खरीदारी से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन भूलकर भी लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता है। वहीं दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच या कांच से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है और राहु नीच ग्रह माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को सही रखने के लिए कांच से संबंधित चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इस दिन यानी कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के बर्तन और एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधा राहु से होता है और यही कारण है कि एल्यूमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ में भी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने परिवार मित्रों के साथ भी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।